एनबीटी के तमाम दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं यहां पर पोर्ट ऑफ स्पेन से, और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। देखिए ये जो मुकाबला था इसमें गेंद और बल्ले के बीच में वही टक्कर देखने को मिली जो पहले मैच में देखने को मिली। अंतर सिर्फ इतना था कि पहले वनडे में टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही थी, दूसरी इनिंग्स में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही थी, और एक समानता देखने को मिली। इनको हीरो मिले दोनों मैचेस में। अगर उस मैच में आपको मोहम्मद सिराज हीरो मिले थे, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी, उन्होंने अपने प्रदर्शन में निखार लाया और उम्मीद जताई कि फ्यूचर में अगर कभी भी अच्छी टीम के खिलाफ जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली दिखाएंगे, तो वही काम अक्षर पटेल ने किया। लेकिन अक्षर पटेल के अलावा भी अगर आप देखा जाए बाकी खिलाड़ियों की अगर आप बात करें, तो पूरी टीम जिस तरह से एकजुट होकर खेली, क्योंकि आसान नहीं होता है 300 से ज़्यादा रनों का लक्ष्य का पीछा करना, खास तौर पर ये देखते हुए कि वेस्टइंडीज़ ने जिस तरह का आधार रखा था। वेस्टइंडीज़ एक समय बहुत बड़ा स्कोर कर सकता था, लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी कह लीजिए या फिर बाकी गेंदबाजों के एफर्ट कर लीजिए, इंडिया ने कभी भी उनको वो टोटल इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया कि उन्हें चेस करने में डिफ़िकल्टी होगी। शुरुआत भारत को भी एक तरह से देखा जाए अच्छी मिली, और उसके बाद से लगातार रन बनते रहे, विकेट भारत के भले ही गिरे। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया शायद हारेगी, लेकिन इस टीम में एक अलग बिलीफ है। इस टीम को पता है कि ये वेस्टइंडीज़ की टीम है। इस टीम का रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत ख़राब है। 2022 में इन्होंने नीदरलैंड और आयरलैंड के अलावा किसी को हराया नहीं है। भारत की टीम भले ही 5 खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मजबूत है, और इसीलिए आज आवेश खान को आज मौका मिला अपने वनडे में डेब्यू करने का, और यादगार मैच रहा एक तरह से देखा जाए टीम को पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब डेब्यू करते हैं और आपकी टीम जीतती है, भले उनको शुरू में थोड़ी सी पिटाई हुई थी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए टीम इंडिया के लिए वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन है। और जब टीम जब जा रही थी तो मैंने देखा कि जिस तरह से खिलाड़ी मजाक कर रहे थे, जिस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे, मूड काफ़ी लाइट है। राहुल द्रविड़ जैसे कोच भी इन खिलाड़ियों के साथ खिलखिला के हंस रहे हैं, वो देखना काफ़ी सुखद रहा।